नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम बताया था, उसमें एक प्लैनेट अर्थ छूटा हुआ था। मैंने कहा था आपको तीसरी वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा उसको, तो आज मैं आपको अर्थ के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले अर्थ को पढ़ाने से पहले आप ये बताएं कि जो एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, देखिए एक होता है कि आप भोजन कर रहे हो, डाइट ले रहे हो, उसके साथ कुछ चटनी अचार रहे तो आपके भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन प्रॉपर वे में आपको डाइट तो लेना ही पड़ेगा। चटनी और अचार सिर्फ खा लेने से तो आपका जो है पेट भरने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो ये वीडियोस साथ में आपके आ रहे हैं, ये वही चटनी अचार सलाद का काम करेंगे आपके लिए। आपको निरंतर अपनी बुक्स, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना होगा और मन लगा कर पढ़ना होगा, ठीक है। जितना ही ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको एक इंटरनल खुशी मिलेगी, ठीक है। आप उतने ही जो है इस एम के करीब जाते जाएंगे। हल्का सा भी डाइवर्जन आपको आपके एम से भटका देगा, हल्का सा माइन्यूट डाइवर्जन। आप गेस करिए कि जैसे मान लिया कि आपको यहाँ जाना है, आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया, आपको जाना चाहिए सीधा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ कर लिया हमने, आपको यहाँ जाना था, आपको सीधा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा स्लाइट जो चेंज आया कि आपने हल्का सा ये डायरेक्शन ले लिया, लेकिन ये डायरेक्शन अभी आपको यहाँ कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब समय गुजरेगा और आप उसके करीब होंगे तो आपको जाना था यहाँ और आप चलते चले गए कहाँ, इतनी दूर, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में काफ़ी गैप हो गया। तो शुरुआती दौर में क्या था, आपका थोड़ा सा भटकाव आपको कितनी दूर ले गया, आपका लक्ष्य यहाँ था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप को नियंत्रित भी करना है। कभी भी शांत मन से बैठिए, जब भी आपको समय मिले बिल्कुल एक प्लेन पेपर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए और सोचिए कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ आपको पहुँचना है, जो लक्ष्य हासिल करना है, उस लक्ष्य में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आपकी पढ़ाई की, ठीक है। तो पढ़ाई का आपने शेड्यूल सेट कर लिया, अब आप नोट करिए कि बाधाएं क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी पढ़ाई को रोक रहे हैं, उसमें विघ्न बन रहे हैं। हो सकता है आपका मोबाइल ही हो, आपका लैपटॉप हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल कम से कम हो सके तो अवॉइड करें, एक शेड्यूल सेट कर लें कि जिस दौरान हमको स्टडी करना है कि एक घंटे या दो घंटे, उस टाइम पीरियड में आपको न तो मोबाइल देखना है न ही लैपटॉप देखना है, उसको किनारे कर दीजिए, बिल्कुल किनारे साइड में, बिना मोबाइल के या स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर आराम से बैठकर पढ़िए, ठीक है। इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जैसे समय कम मिल रहा है, तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से आपको समय निकालना है। मॉर्निंग में आप एक घंटा निकाल सकते हैं, या सक्षम है तो एक घंटे के बजाय दो घंटे निकाल सकते हैं, ठीक है। दोपहर में, शाम में, रात में, आपको हर तरीके से समय चुराना है अपने लिए, ठीक है। लोग पूछते हैं फ़ोन करके या वैसे ही बात करते हैं आपसे, अरे भाई क्या कर रहे हो, ठीक है, आज क्या कर रहे हो, आज का शेड्यूल क्या है। तो पढ़ाई को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लोग समझते हैं कि जब तक कोई काम ना करें
तब तक वो काम नहीं कहा जाता है। जबकि आपका मेन काम तो सिर्फ पढ़ाई है, आपको पूरा फोकस अपने स्टडी पर देना है। आप सिर्फ ये कहो कि नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो समय चुराना है आपको अपने लिए समय बचाना है, ठीक है। जितना ज़्यादा समय आप बचा पाओगे उतना ही आप अधिक से अधिक पढ़ाई कर पाओगे और टेंशन से दूर रहोगे और अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे और टारगेट को अचीव करोगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपका कंसंट्रेशन बने, आपके उस मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो दूर हों, ठीक है। दो चीज़ें दूर हो गई, अब तीसरा ऑब्स्टेकल ऐसा भी हो सकता है कि एजुकेशनल जो मटेरियल हैं उनका अभाव हो, कुछ पैसे का अभाव हो, ठीक है। तो पैसे का अभाव काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है, वो इस तरीके से कि मैंने देखा है कि अभी इधर के कुछ वर्षों में कि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि गांव के ऐसे ऐसे लोग जिनके पास मतलब उतना धन नहीं था, पर्याप्त धन नहीं था कि वो दिल्ली या इलाहाबाद कहीं जाकर वो अपनी पढ़ाई कर सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी एक अच्छी मुकाम हासिल की और वो आईएएस या आईपीएस वगैरह कुछ भी बन कर दिखाई, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। तो कुछ जो भी बेसिक बुक्स हैं आपके पास या गांव में ही अगर आप हो या शहर में आप हो, कोई अगल बगल का कोई जान पहचान वाला है उससे आप हेल्प ले सकते हो कि हमको कुछ बेसिक बुक्स जो चाहिए, 6 to 12th एनसीईआरटी की हो सकती है। अगर एनसीईआरटी नहीं भी मिल रही है तो क्या बुक्स में कोई गालियां थोड़ी नहीं लिखी होती हैं, अच्छी चीज़ें ही लिखी होती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ कहा जाता है कि हाँ बेसिक बुक थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी जो भी बुक्स हैं 6 to 12 उसको आप पढ़िए आराम से और बिल्कुल मेहनत करिए और बीच बीच में आप जो है गाइडेंस भी लेते रहिए। अब गाइडेंस का एक मसला आता है, गाइडेंस कहाँ से मिले आपको, तो कोई आपके जानने में कोई अच्छा सीनियर हो आपका, कोई अच्छे टीचर हो, या जैसे हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों से आप गाइडेंस जो आप ले रहे हो, तो इस तरीके से अलग अलग सोर्स हैं जहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मेंटेन रखना है। तीसरी चीज़, आपको अपनी जो पर्सनालिटी है उसको निखारना है, क्योंकि लास्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट ही होता है, ठीक है। तो समाज में व्यवहार कैसे करना है, अपने बोलने की शैली कैसी रखनी है, अपने लिखने की शैली कैसी रखनी है, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा हो, समाज में हमारे जो नेगेटिव्स क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही ना हो, ऐसा कोई ना हो कि जो हमारे बैड वर्क की ही चर्चा करे, ठीक है। मतलब होना ही नहीं चाहिए अपने अंदर, ऐसा क्वालिटी डेवलप करो कि हर कोई आपकी तारीफ करे, आपको अच्छा कहे, ऐसा आपको अपने अंदर बिल्ड करना होगा कि आपका जो है पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है, इतनी जो है अच्छा तरीके से निखर के आए। आप ये सोचो कि सोना जब जितना ज़्यादा ही तपता है उतना ही ज़्यादा उसमें निखार आता है, तो आप वो सोना हो, वो हीरा हो जिसको बिल्कुल तराश के निखरना है, ठीक है। बिल्कुल आपको उस आग में तपना है जहाँ से आपको निखर कर एक अच्छा व्यक्तित्व आपको सामने लेकर आना है अपना। तो बिल्कुल आपको बहुत सारे चेंजेस लाने हैं और ये एक दिन में नहीं होगा, लगातार आपको प्रयास करना होगा, ठीक है। इन्हीं सब बातों से मैं आज इसके पॉइंट्स को ख़त्म करता हूँ अपनी बात को और मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ जो हमें पढ़ाना है। हमें अर्थ पढ़ाना है, अर्थ को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अब
पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी अगर हम सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो किस प्लेस पर आएगा? थर्ड प्लेस पर आएगा, ठीक है। अब इस पृथ्वी का जो सबसे पहला पॉइंट हम देखें कि डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, घनत्व। आपने अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पर हमने बताया था आपको कि डेंसिटी के अकॉर्डिंग अर्थ का डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट डेंसिटी प्लैनेट कौन सा हो गया? आपका अर्थ हो गया। अब इसका शेप अगर देखें तो शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है? आकार इसका जीवायड है, जीवायड मतलब गोलाब। कैसा शेप होता है? ठीक है, ऊपर और नीचे हल्का सा फ्लैट, ठीक है, और बल्ज साइड में रहते हैं। तो ये जो है शेप है जीवायड। और अगर ऐसा कंडीशन है तो दो स्थितियां बनेंगी। ये आपका सेंटर हो गया, ये बीचों बीच में बिल्कुल इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल डायमीटर आपका ज़्यादा होगा ये जो सेंटर से होके पास होगा, और ये पोलर डायमीटर जो पोल से होकर पास होगा, ठीक है। तो इक्वेटोरियल डायमीटर और पोलर डायमीटर ये दोनों अलग अलग होंगे, और दोनों में डिफरेंस होगा तो जो पोलर डायमीटर है वो आपका कम होगा, वो आपका होगा, अगर इसकी हम बात करें तो 12,714 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका पोलर डायमीटर हो गया। और इसके अलावा जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो इक्वेटोरियल डायमीटर आपका हो जाएगा 12,757 किलोमीटर। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल डायमीटर ज़्यादा है, यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास, क्या नाम हो गया इसका? इक्वेटोरियल डायमीटर यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास, और ये पोलर डायमीटर है। यानी कि ध्रुवीय व्यास, ठीक है। तो ध्रुवीय व्यास कम है वो फ्लैट होने की वजह से, और इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखीय व्यास ये ज़्यादा है 12,757 किलोमीटर, और ये हो गया 12,714 किलोमीटर। सरकमफेरेंस की बात करें, परिधि, परिधि मतलब कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल का ये जो बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस बेसिकली बाउंड्री है, ठीक है, इसी को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इसका जीवायड शेप है, तो जैसे ये एक बॉल ले लिया, तो ये जो बीच का इक्वेटोरियल कंडीशन है, यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सर्कमफेरेंस की जो लंबाई है यानी कि इसकी लेंथ, तो क्या हो जाएगी? 40,075 किलोमीटर, ठीक है, 40,075 किलोमीटर इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी परिधि। और ये कौन सी है? ये इक्वेटोरियल है, यहां लिख लें इक्वेटोरियल, क्योंकि
पोलर सर्कमफ्रेंस का उतना पूछा भी नहीं जाता है, उतना जो मान्य भी नहीं है। इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखीय परिधि कितना है, 40,075 किलोमीटर, ये आपका भूमध्य रेखीय परिधि है। अब इसके झुकाव की हम बात कर लें, इसका टिल्टेशन यानी कि इंक्लिनेशन दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सियल, ठीक है, यानी कि अक्षीय झुकाव, और एक है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ठीक है, यानी कि कक्षीय झुकाव। दोनों अलग अलग हैं, ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री, दोनों अलग अलग हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर एक्सियल इंक्लिनेशन पूछता है या एक्सियल टिल्टेशन यानी कि अक्षीय झुकाव तो 23.5 बताएंगे, और अगर ऑर्बिटल पूछता है कक्षीय झुकाव पूछता है तो 66.5 बताएंगे आप, ठीक है। अब ये दोनों कैसे होता है इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपका। जैसे एक ऑर्डिनेट बनाएंगे आप, ये आपका एक्सिस हो गया वो धुरी, ठीक है, और ये हो गया ये वाली लाइन, ये ऑर्बिट हो गई, ठीक है। ये कच्छ हो गया। सिचुएशन क्या है अर्थ की, कि सपोज करिए ये जहाँ मैंने पॉइंट उंगली ये दूसरे को लॉक किया है, ये सन है और ये सिचुएशन मेरी अर्थ की है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, 23.5 अपने एक्सिस पर टिल्ट है, ऐसे झुकी हुई है। तो अभी हम झुके वाला कंडीशन ना लें, अभी हम सीधा वाला लें, सीधा सीधा ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, परिक्रमण हो रहा है। तो ये पाथ कौन सा हो गया, ये उसके ऑर्बिट हुआ कक्षीय, ठीक है। तो ये ऑर्बिट हो गया कौन सा कंडीशन, ये वाला, यानी कि ये वाली कंडीशन, ठीक है, इसका ऑर्बिट बन गया। अब दूसरा कंडीशन कि सन अर्थ, अब इसका टिल्ट है ये, ठीक है, अपनी एक्सिस से टिल्ट है ये। तो ये कौन सा हो गया, ये बेसिकली ये, तो एक्सिस से टिल्टेशन ये वाला हुआ, ठीक है। ये है 23.5 डिग्री और ऑर्बिट यानी कि ये ऑर्बिट है, ये प्लेन है इसका, ठीक है, जो मूव कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसके है। तो यहां से यहां टिल्टेशन जो है ये 66.5 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इस अर्थ का झुकाव है और इन दोनों को मैंने यहां आपको बताया है, ठीक है। तो एक्सियल टिल्टेशन ये है 23.5, अक्षीय झुकाव है, और कक्षीय झुकाव यानी कि ऑर्बिटल टिल्टेशन ये 66.5 है, ये है, ठीक है। अब अगली कंडीशन हम बताते हैं कि सन और अर्थ की सिचुएशन को, कि जो रिवॉल्यूशन पाथ है रिवॉल्यूशन पाथ
यानी कि परिक्रमण कक्ष वो कैसा है, वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल इलिप्टिकल कैसा होता है, बिल्कुल सर्कल नहीं, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये सिचुएशन है। सन की कंडीशन कहाँ होगी, सन यहाँ होगा। मतलब कंडीशंस बदलते रहते हैं, हम एक सिचुएशन ले रहे हैं कि सन की कंडीशन एक यहाँ हो गई, तो इस कंडीशन में दो चीज़ें आएंगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब अर्थ, ये अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी है सन के चारों ओर, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि पृथ्वी सन से काफ़ी दूर रहेगी, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब पृथ्वी सन के काफ़ी करीब रहेगी। तो ये वर्ष में ये दो सिचुएशन ऐसे आएंगे, क्या क्या जो डेट्स रहेंगे और उन्हें क्या क्या कहा जाएगा। सन और अर्थ के बीच में जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा ये फोर जुलाई, चार जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होगी। तो 3 जनवरी को सबसे करीब होगी और 4 जुलाई को सबसे दूर होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो नाम दिए गए हैं कि इस कंडीशन में जब सबसे दूर रहेगा तो इसको कहते हैं अपहेलियन, APHELION, अपहेलियन, यानी कि हिंदी में नाम अपसौर, ठीक है, क्या कहेंगे, अपहेलियन अपसौर। यहाँ 3 जनवरी को जब करीब रहेगा तो इसे कहते हैं पेरिहेलियन, यानी कि उपसौर। ठीक है, तो अपहेलियन यानी कि अपसौर, पेरिहेलियन यानी कि उपसौर। अपहेलियन के कंडीशन में अधिकतम दूरी रहेगी पृथ्वी की सूर्य से, और पेरिहेलियन यानी उपसौर के कंडीशन में न्यूनतम दूरी रहेगी पृथ्वी की सूर्य से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर अगर पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर रहेगी तो इस हिसाब से उस समय तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन समय है जनवरी का, इस समय तो ठंडक होता है, ठीक है, तो जब 3 जनवरी को सन सबसे करीब में है तो ठंडक कहाँ से, तो ये सिचुएशन कैसे आई। तो हमने बताया ना अभी इसके पहले एक्जियल टिल्टेशन, ठीक है, उस समय जब जनवरी का समय है तो सन कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं है, ठीक है, सन की सिचुएशन कहाँ है, साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सन नहीं है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है पहले से कि जब सन रेज सीधी पड़ती हैं बिल्कुल तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन जब सन रेज तिरछी पड़ती हैं, ऑब्लिक हो जाती हैं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो जब ऑब्लिक हो गई सन रेज, ये सन है अगर, ठीक है, और तिरछी पड़ रही हैं,
तो एरिया ज़्यादा हो गया, अब इस वजह से वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है, जनवरी के महीने में भले ही पृथ्वी सूर्य से काफ़ी नज़दीक है, न्यूनतम दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ठंडक का महीना है, क्योंकि सन की जो लोकेशन है वो कहाँ सीधा चमक रहा, सन अपनी लोकेशन नहीं बदल रहा है, वो तो अपने एक्सिस पर ही है और पूरा सोलर सिस्टम ही मूव कर रहा है, तो वो भी मूव कर रहा है, अर्थ भी उसके साथ, सन भी। तो सिचुएशन क्या है कि उस टिल्टेशन की वजह से सन की जो सीधी रेज है वो साउथ हेमिस्फीयर में पड़ रही है, इस वजह से अपने यहाँ ठंडक का मौसम है। और जब सिचुएशन ये आया 4 जुलाई का कि बिल्कुल अधिकतम दूरी पर है अर्थ, लेकिन क्या है, सन रेज सीधी पड़ रही हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इस वजह से अपने यहाँ गर्मी का मौसम रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से टॉपिक क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, और इससे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, आप ज़रूर इसको, इसके पॉइंट्स को नोट करिएगा। ठीक है, अब ये देख लें कि इसमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो और भी पॉइंट बताने के लिए मिटाना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे कि किसकी वजह से दिन रात और वेदर चेंज होता है। हमने दो कंडीशन बताया है अर्थ का, एक तो रोटेशन होता है यानी कि परिभ्रमण, और दूसरा रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होते हैं, रात और दिन होते हैं। रोटेशन का टाइम पीरियड क्या है, एक दिन में वो एक चक्कर लगा लेता है, एक घूर्णन कर लेता है, और इस वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर 24 घंटे का होता है ये, 24 आवर्स। और रिवॉल्यूशन कितना है आपका, नियर अबाउट 365 डेज का, और इस वजह से क्या होते हैं, जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं इस कारण से होते हैं। तो वेदर चेंज, तो जो मौसमी परिवर्तन वेदर चेंज होते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि मौसमी परिवर्तन किस कारण से होता है, तो पृथ्वी का सन के चारों ओर परिक्रमण की वजह से वेदर चेंज होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से। राइट, अब इसके अलावा और पॉइंट्स कि इसके डिस्टेंस को हम बताएं कि जो एवरेज डिस्टेंस है सन और अर्थ का वो क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्या हो जाएगा, लगभग आप उसे जो है नाम लो 15 करोड़, ठीक है, या 150 मिलियन, इतने किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर कहिए या 150 मिलियन किलोमीटर, ये आपका एवरेज डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। ठीक है, अब हम देखें कि पृथ्वी पर जो है क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं अधिकतर। इस अर्थ पर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, और स्थलमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल दोनों चीजें होती हैं, तो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल जलीय भाग कितना है,
और स्थलीय भाग, लिथोस्फीयर, तो पूरे पृथ्वी पर लगभग 71% पार्ट जो है वो जलीय है, ठीक है, और 29% पार्ट क्या है, स्थलीय है। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो आपका 100% हो गया। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, स्थल है या जल है, तो क्या आप बताएंगे, जल है, ठीक है, क्योंकि 71% पार्ट है पूरे अर्थ का और 29% जो है आपका लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल है, ठीक है। अब इसमें अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको सन रेज के अकॉर्डिंग, जो हमने प्रीवियस में बताया भी है लेकिन एक बार आपको जो है रिकॉल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमने पहले इक्वेटर बनाया, फिर उसके ऊपर हमने कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। सिचुएशन क्या होती है, पहले 21 मार्च को सन की सिचुएशन इक्वेटर पर होती है, 21 मार्च के बाद 3 महीने ऐड करिए, अप्रैल, मई, जून, 21 जून को सन यहाँ पर आ जाएगा। इस स्थिति को कहेंगे समर सॉल्स्टिस यानी कि कर्क संक्रांति या ग्रीष्मयनांत, जब सन की लोकेशन 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगी। फिर उसके बाद जब 21 मार्च की कंडीशन थी और 23 सितंबर की वाली कंडीशन थी जब कि सन की लोकेशन इक्वेटर पर थी, तो इस सिचुएशन को कहते हैं इक्विनॉक्स यानी कि विषुवायन। तो हमने बताया कि 21 मार्च के बाद पहले इधर जाएगा 21 जून, फिर 21 जून के बाद 3 मंथ आप ऐड करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को फिर वे क्या आ जाएंगे, इक्विनॉक्स पर आ जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर की सिचुएशन को क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स यानी कि जब सन इक्वेटर पर चमक रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड में दिन और रात बराबर होते हैं। फिर 23 सितंबर के बाद फिर सदर्न में जाएगा, 3 महीने जोड़िए, तो 22 दिसंबर की सिचुएशन आएगी और ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लोकेशन इसकी। तो 22 दिसंबर की सिचुएशन को क्या कहते हैं, विंटर सॉल्स्टिस यानी कि मकर संक्रांति या शीत अयनांत, ठीक है। अब यहाँ इक्विनॉक्स वाले कंडीशन में दो सिचुएशन बनती है, एक 21 मार्च वाली और एक 23 सितंबर वाली। तो जो 21 मार्च वाली सिचुएशन है उसको कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है, वसंत विषु, और जो 23 सितंबर वाली सिचुएशन है उसको ऑटम्नल इक्विनॉक्स यानी कि शरद विषु, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन सिचुएशन है, सन का जो रेज पड़ता है अर्थ पर, तो कब कब बिल्कुल स्ट्रेट रेज पड़ेंगी, जब जब सन की लोकेशन इसके बिल्कुल सामने होगी, तो वो डेट्स यहाँ दे दिए गए हैं। अब देखिए एक पॉइंट और आपको बता दें कि इसमें चूंकि हाइड्रोस्फीयर 71% है, सबसे ज़्यादा पार्ट जल का है, तो इस वजह से अर्थ का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, किसकी वजह से, ब्लू हाइड्रोस्फीयर की वजह से। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ठीक है, नीला ग्रह। तो नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर सबसे अधिक पार्ट किसका है, जल का है, हाइड्रोस्फीयर है 71%। अब ये अर्थ से रिलेटेड टॉपिक आपका यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैटेलाइट के बारे में बताऊंगा और सैटेलाइट के साथ साथ जो अर्थ का सैटेलाइट मून है उसके बारे में डिफाइन करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।